वेलकम स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट अकाउंट और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। बहुत दिनों से आपका कमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ था, जब मैं इसको भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पे है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित विवरण से ठेका खाता बनाइए। ये सारा समरी दिया हुआ है। नीचे कहता है ठेका 1 लाख का था और इसे पूरा करने में 13 सप्ताह लगे, मतलब ठेका आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट हो चुका है। इस अवधि के लिए प्लांट मूल लागत पर 15% ह्रास काटना है आपको। लूज टूल्स स्टोर्स रिटर्न का मूल क्रम से दिया हुआ इतना और इतना। ट्रैक्टर है 20,000 का, ह्रास 15% प्रति वर्ष दर से लगाया जाता है। आप कुल कारखाना लागत पर 10% की दर से प्रशासन व्यय की व्यवस्था कीजिए। ठेका खाता, ठेका देने वाले का खाता बनाइए यह मानते हुए कि ठेका देने वाले से देय राशि प्राप्त हो गई है। तो कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा आपको। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप में भेजे कमेंट कीजिए, हमारा पूरा प्रयास होगा आपकी कमेंट को रिप्लाई करने का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या सा दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल ये है 39,600। फिर आगे है वेजेज, ये 26,400। फिर आगे है स्पेशल प्लांट है, ₹17,600। फिर आगे है स्टोर्स इशू किया है आपने, स्टोर्स इशू। और आगे है लूज टूल्स, लूज टूल्स ये 3,300 है, ये 7,040 है और ये 3,300 है। आगे है कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, फिर आगे ट्रैक्टर भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रैक्टर का जो है ना लागत दिया हुआ है ₹2,200 और ड्राइवर है 3,520। तो ये जो है रनिंग मटेरियल में आता है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर में क्या सब आएगा, रनिंग मटेरियल, रनिंग मटेरियल ये 2,200 है, ड्राइवर दिया हुआ है, ड्राइवर ये 3,520 है, आगे है अदर एक्सपेंस 2,640 है, 2,640। और ट्रैक्टर पर जो है ना ह्रास दिया हुआ है 15%। ये 20,000 का ट्रैक्टर है और क्वेश्चन कह रहा है कि 20,000 का ट्रैक्टर है, 15% ह्रास लगाना है आपको, 13 सप्ताह काम करने में लगा है। तो डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर, यदि आप लोगों को दिक्कत है तो हम थोड़ा सा वर्किंग कर देते हैं। 20,000, 13 सप्ताह है तो 3 बटे, चूँकि 1 साल में 52 वीक होता है, जैसे महीना 1 साल में 12 महीना होता है ना, उसी तरह से 1 साल में 52 सप्ताह होता है। तो हम 52 से डिवाइड कर देंगे, 15% है तो 15/100, 13×52 होता है और ये 00 कैंसिल हो गया, 15×75 ये हो गया 750। और कुछ नहीं है, सब कुछ जोड़ दो, ये होता है 9,110। आगे क्लोजिंग बैलेंस में क्या सर वो देखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। प्लांट रिटर्न किया गया है, प्लांट रिटर्न ह्रास लगाया गया है प्लांट पर, कितना परसेंट। तो क्वेश्चन कर रहा है प्लांट पर जो है ना ये 15% ह्रास लगाया गया है। तो प्लांट आपका कितना है, यहाँ देख लो, प्लांट 17,600 का है, 15% माइनस कर दो इसमें, तो ये होता है 14,960। टूल्स, टूल्स का बैलेंस दे दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ₹2,200 है, स्टोर्स 890 का है और तो कुछ है नहीं। बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस है, ये कहलाएगा आपका बाय बैलेंस। सबको जोड़ लो, चूँकि क्वेश्चन कर रहा है कारखाना लागत पर, तो यहाँ से जो निकलेगा वो आपका कहलाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। क्या कहलाएगा,
फैक्ट्री कोष कल आएगा। जोड़नीश होता है 1,03,050, 1,03,050 सबको जोड़ के, इसको जोड़ के हम बाहर कर देते हैं तो ये होता है 14,960 2,800,890 जो आएगा वो कल आएगा बाय फैक्ट्री कोस्ट बैलेंस सीडी। ये माइनस करने से ये होता है 85,000, ठीक है ना। सीडी को हम बीडी कर लेंगे, टू बैलेंस बीडी बोलते हैं इसको, टू बैलेंस बीडी कितना 85,000। अब क्वेश्चन कहता है, और ये फैक्ट्री कोस्ट है, क्या है फैक्ट्री कोस्ट है, इसका 10% आपको कारखाना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस देना है 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसका 10% 8,500 हो जाएगा। और चूंकि काम तो पूरा हो चुका है तो यहाँ लिखेंगे हम बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 1,00,000 का ठेका है और तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर लेंगे। यदि सीआर का बड़ा है तो प्रॉफिट, डीआर का बड़ा है तो लॉस, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि देर इज डीआर साइड जो है ज़्यादा है, सॉरी सीआर साइड जो है ज़्यादा है, 1,00,000 लेस करेंगे 1,00,000 में से हम, तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं। ये होता है 6,500 और तो कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है ठेका देने वाले का खाता बनाइए, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या सब होता है वो देखिए, सबसे पहले ठेका है कितने का वो लिखेंगे हम, तो टू कॉन्ट डी आर में लिखिए टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 1,00,000 ठेका है। क्वेश्चन यह भी कर रहा है कि सारा रकम आपको नगद मिल चुका है, यहाँ लिखेंगे बाय कैश, नो सीडी नो बीडी, अकाउंट क्या हो चुका है क्लोज हो चुका है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस कुछ निकला नहीं, आपका बैलेंस हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।